मूवी की शुरुआत न्यू ईयर की एक पार्टी में होती है। कुछ देर बाद ही टेडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे टाइम की थोड़ी सी भी कदर नहीं है और वो हमेशा चीज़ों को टालता रहता है। वो जब तक पार्टी में पहुंचता है तब तक न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी ओर खड़ा हुआ दिखता है और 12 बजते ही उसके पास जाके उसे किस करने लगता है। लेकिन टेडी को जल्दी समझ आ जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि किसी और लड़की को किस कर रहा है जिसने एग्जैक्टली उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। टेडी फिर जल्दी से पीछे होने लगता है और उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है जो उसे माफ़ भी कर देती है। फिर टेडी शर्मिंदा होकर उस लड़की को एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो लड़की भी ड्रिंक के लिए मान जाती है। वो टेडी को अपना नाम लियान बताती है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी टेडी को एकदम से खांसी आने लगती है और वो बहुत बुरी तरह कांपने लगता है। यहाँ पता चलता है कि टेडी को पीनट से एलर्जी है और टेडी को किस करने से पहले लियान ने बहुत सारे पीनट्स खाए थे जिस कारण टेडी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। वो टेडी को भीड़ से थोड़ा दूर ले आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी टेडी की गर्लफ्रेंड बेका वहाँ के देखती है कि टेडी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। तभी उन्हें किसी के पास से रिएक्शन को रोकने के लिए एक एपीपेन मिल जाता है और टेडी की जान बच जाती है। उस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद ही टेडी का बेका के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो लियान के साथ डेट करने लगता है। वो लोग 4 साल से एक साथ ही है लेकिन टेडी को चीज़ों को टालना इतना अच्छा लगता है कि वो 5वें साल जाके लियान को प्रपोज करता है। प्रपोजल के बाद वो दोनों टेडी के फादर की कब्र के पास जाते हैं। वो दोनों टेडी के फादर को उनके प्रपोजल के बारे में बताते हैं लेकिन एक बूढ़ी औरत इसे दूर में खड़े होकर सुन रही है। लियान कुछ देर के लिए वहाँ से कहीं चली जाती है और तभी वो बूढ़ी औरत टेडी के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो फिर टेडी से पूछती है कि उन्होंने शादी की क्या डेट फिक्स की है लेकिन टेडी शादी को भी टालने की कोशिश में ये कह देता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कुछ देर टेडी से बात करने के बाद वो औरत समझ जाती है कि टेडी किस टाइप का इंसान है। इसलिए वो टेडी से एक क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी लाइफ का 1 साल 1 मिनट में ही निकलने लगे और तुम्हारे पास अपनी लाइफ जीने का टाइम ही ना बचे। उस औरत का ये क्वेश्चन सुनते ही टेडी सोच में पड़ जाता है लेकिन वो औरत वहाँ रुकती नहीं। वो टेडी से फिर कहती है कि उसके पास टेडी के लिए एक बहुत ही अच्छा वेडिंग गिफ्ट है। कुछ देर बाद ही लियान वहाँ वापस आ जाती है। वो दोनों फिर बातें करने लगते हैं और तभी वो बूढ़ी औरत लियान से कह देती है कि टेडी ने उससे कहा है कि तुम लोग 2 हफ्तों में शादी करने वाले हो। ये सुनते ही लियान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और टेडी को हक करने लगती है। लियान को इतना खुश देख टेडी भी उसे सच नहीं बताता। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद ही वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। उनकी शादी में टेडी का बेस्ट फ्रेंड सैम उसकी और टेडी की फ्रेंडशिप के बारे में स्पीच देने लगता है। फिर वो टेडी के टाइम वेस्ट करने की आदत के बारे में भी मजाक करने लगता है। टेडी और लियान दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। शादी के बाद वो लोग अपने नए घर आके ये देखना चाहते हैं कि उन्हें किसने क्या गिफ्ट दिया है। कुछ देर बाद ही लियान कपड़े चेंज करने चली जाती है और तभी टेडी शादी में मिले गिफ्ट्स को देखने लगता है। उन्हें किसी ने घर में सजाने के लिए एक पौधा दिया है जिसका नाम उन दोनों ने मिलकर ग्रूट रखा है। लेकिन तभी टेडी की नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है जिसमें लिखा है कि इसे 10 साल बाद ही खोलना। लेकिन टेडी उस बॉक्स को तभी खोल देता है और उसे उस बॉक्स के अंदर एक टिन का कैन मिलता है। उस कैन को हिला के टेडी को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ तो है। टेडी से वेट नहीं हो रहा है। वो तुरंत ही कैन ओपनर से उस कैन को खोल के देखना चाहता है कि उसके अंदर है क्या। लेकिन तभी लियान कपड़े बदल के वहाँ आ जाती है जिस कारण टेडी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब टेडी की नींद खुलती है वो ये देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है कि उनका रूम पूरी तरह सजा हुआ है। उसे लगता है कि लियान ने जल्दी उठ के सब कुछ कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर जाता है उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि घर की सारी वॉल्स पे नया पेंट हो चुका है और उनका हाउस प्लांट ग्रूट एक रात में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब देख टेडी पूरी तरह कन्फ्यूज है लेकिन तभी वो पीछे मुड़ता है और उसे एक और बड़ा झटका लगता है। पीछे लियान खड़ी है और वो प्रेग्नेंट है। ये देख टेडी हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा है कि लियान उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है। लेकिन उसे अब तक इस बात की कोई खबर नहीं कि वो टाइम ट्रेवल करके 1 साल आगे फ्यूचर में आ गया है। कुछ देर बाद टेडी लियान के पेट को अच्छे से चेक करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। कन्फ्यूज टेडी लियान से पूछने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि उनकी शादी तो कल ही हुई है। लेकिन लियान को लगता है कि उसके साथ मजाक कर रहा है। वो फिर टेडी से उनके फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट मांगने लगती है। टेडी को अब लगने लगा है कि उसे शायद भूलने की बीमारी हो चुकी है। लियान उसकी बात इग्नोर कर उसे एनिवर्सरी का गिफ्ट दे देती है। लेकिन ये सब देख टेडी की तबीयत खराब होने लगती है जिस कारण लियान उसे थोड़ी देर के लिए लेट जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही टेडी बेड पर लेटता है उसके आसपास की चीज़ें एकदम से चेंज होने लगती है और अगले ही सेकेंड एक और साल निकल जाता है। कुछ देर बाद टेडी उठ के देखता है कि लियान अब प्रेग्नेंट नज़र नहीं आ रही है। वो ये सोच के हंसने लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। लेकिन लियान से बात करते वक्त उसे साइड के रूम से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। टेडी फिर उस रूम की ओर जाने लगता है और उसे रास्ते में
वॉल पे उसकी और लियान की बहुत सारी फोटोज दिखती है, लेकिन ये फोटोज कब खींची गई थी इस बारे में टेडी को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो अपनी बेटी को देख के और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसका नाम टलूला है। वो फिर पहली बार उस बच्ची को अपने हाथ में लेता है और स्माइल करने लगता है। लेकिन टेडी को टलूला नाम कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वो लियान से इस नाम को चेंज करने की बात करने लगता है। वो फिर लियान से कहता है कि वो शायद टाइम ट्रैवल कर रहा है, लेकिन लियान को अब भी लगता है कि वो मजाक कर रहा है। टेडी फिर पिछले साल के बारे में लियान से पूछने लगता है। वो टेडी को बताती है कि वो अपने जॉब की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। लियान फिर उसे अपनी जॉब छोड़ के एक फोटोग्राफर बनने के लिए कहती है, जो टेडी कई दिनों से बनना चाहता था। टेडी ये सुन के बड़ा सरप्राइज है कि शादी के 2 साल बाद भी वो फोटोग्राफी शुरू नहीं कर पाया है। इसके अलावा अपनी टालने की बुरी आदत की वजह से वो आज तक लियान को हनीमून पे तक नहीं ले गया है। टेडी को ये सब सुन के बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड सैम को कॉल करता है और उसे आज ही के दिन नेक्स्ट ईयर उसके लिए एक एनिवर्सरी प्रेजेंट डालने के लिए कहता है। इसके बाद वो ग्रूट के टब में एक ऑरेंज रख देता है, ये देखने के लिए क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। कुछ देर बाद टाइम फिर से बदल जाता है और आज उसकी और लियान की 3rd एनिवर्सरी है। टब में रखा ऑरेंज पूरी तरह सड़ गया है और ग्रूट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तभी सैम उसके फ़ोन में मिले रिमाइंडर को देख जल्दी से टेडी के घर के बाहर आता है। वो पूरी तरह कन्फ्यूज है। सैम को देखते ही टेडी उसे हग करने लगता है और उससे अपना एनिवर्सरी प्रेजेंट मांगता है। लेकिन सैम ने ध्यान से टेडी की बात सुनी नहीं थी, इसलिए वो टेडी की बेटी के लिए एक टॉय लेके आया है। टेडी फिर सैम को उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन सैम को उसकी बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा। सैम को अभी भी लग रहा है कि टेडी उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर टेडी उससे कहता है कि वो बिल्कुल सीरियस है और फिर वो सैम को अगले साल के लिए एक रिमाइंडर सेट करने के लिए कह देता है। कुछ देर बाद ही वो फिर से घर के अंदर चले जाता है और तभी वो अपनी बेटी टलूला से मिलता है। वो बार बार माँ के आगे पुकार रही है, जो सुन के टेडी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी का पहला वर्ड पापा हो। तभी लियान उससे कहती है कि वो अपने काम की वजह से मुश्किल से ही घर में रहता है। टेडी को तब ये भी पता चलता है कि उसके और लियान के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे हैं। इसके बाद टेडी वो लेटर पढ़ने लगता है जो प्रेजेंट के टेडी ने लियान को लिखा था। उसमें लिखा है कि राइटर बनने का भूत छोड़ो और कोई अच्छी जॉब ढूंढो। लियान भी वो लेटर पढ़ लेती है और वो कहती है कि टेडी बस उससे जेलस है, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी वो जो करना चाहता था वो स्टार्ट तक नहीं कर पाया। ये सब सुन के टेडी को भी रियलाइज होता है कि उसके चीज़ों को कल के लिए टालने की बीमारी ने उसकी लाइफ को पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। अगले ही सेकेंड 1 साल फिर से निकल जाता है। कुछ देर बाद ही सैम उसके घर के बाहर आ जाता है और टेडी से कहता है कि वो और लियान अब साथ में नहीं रहते हैं, और ऐसा ही चलता रहा उनका बहुत जल्द डिवोर्स भी हो जाएगा। टेडी लियान के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से ठीक करने के लिए और उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के लिए कॉल करता है। वो टेडी का कॉल पिक तो कर लेती है, लेकिन जब वो लियान को मिलने के लिए बुलाता है वो साफ मना कर देती है। लियान से बात करने के बाद टेडी अपने फ्रिज में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी टाइम फिर से बदलने लगता है। इस बार उसे साइड वाले रूम में किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। टेडी को लगता है कि वो लियान है, इसलिए वो दौड़ के उस रूम में जाके उस लड़की को किस करने लगता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेका है। वो टेडी को बताती है कि वो दोनों पिछले 4 महीने से डेट कर रहे हैं और लियान अभी भी उससे अवॉइड ही कर रही है। बेका का भी 1 साल पहले ही अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका है। टेडी बेका के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे कैसे भी करके अपने घर से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लियान उसका डोर नॉक करने लगती है। टेडी फिर जल्दी से बेका को बैल्कनी में छिपा के लियान के लिए दरवाज़ा खोल देता है। लियान टेडी से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और ये भी कि उन्हें अब फिर से साथ रहना चाहिए। ये सुनते ही टेडी खुशी से पागल होने लगता है और लियान को किस करने लगता है। लेकिन तभी लियान को बेका के अंडरगारमेंट्स टेडी के सोफे में पड़े मिलते हैं। वो समझ जाती है कि टेडी किसी और को डेट कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में टेडी से डिवोर्स मांग लेती है। टेडी उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियान बिना कुछ सुने ही वहां से चली जाती है। बेका टेडी के मजे लेने के लिए उसे एक डिवोर्स लॉयर का नंबर देती है। टेडी फिर बेका को वहां से भगाने से पहले उससे कहता है कि आज के बाद वो उससे बात नहीं करना चाहता, और वो अगर बेका को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करता है तो उसका फ़ोन पिक मत करना। लेकिन जैसे ही टेडी पीछे घूमता है वो देखता है कि बेका अब किचन में है और उसके कपड़े भी चेंज हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि फिर से 1 साल निकल चुका है। इस बार उसे पता चलता है कि लियान अभी भी उससे गुस्सा है, जिस कारण वो बेका के साथ ही रहता है। टेडी फिर जल्दी से सैम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद वो बेका को बताता है कि वो अभी भी लियान से ही प्यार करता है। बेका भी उसे कहती है कि अपने एक्स हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती है और उसे कभी अपने एक्स हस्बैंड से अलग होना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों फिर मिलके डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद ही सैम अपनी स्पोर्ट्स कार लेके वहाँ पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो टेडी को बताता है कि उसे कैंसर हो गया है
और डॉक्टर्स ने उसे कह दिया है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुन के टेडी पूरी तरह शॉक में है और वो सैम से प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि अगले साल उसे मरना नहीं है और फिर से उससे मिलना है। वो दोनों फिर सैम की लाइफ के बारे में कुछ और बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद ही टेडी लियान के नए घर में उससे मिलने चले जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लियान उससे पूछने लगती है कि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है कि नहीं। ये सुनते ही टेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि लियान ने एक साल पहले डिवोर्स फाइल किया था, लेकिन पिछले एक साल से वो पेपर्स पे साइन नहीं कर रहा है। टेडी फिर लियान से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उन्हें डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टेडी की बातें अब लियान को इरिटेट करने लगी है, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जैसे ही लियान टेडी के मुँह पर दरवाज़ा बंद करती है, एक और साल फिर से निकल जाता है। तभी टेडी गलती से टेलुला के पूल में गिर जाता है और वो वहाँ पर लियान के नए बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलता है। पैट्रिक के बारे में पता चलते ही टेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा सुनाने लगता है। लेकिन कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद टेडी को ये रियलाइज़ होता है कि लियान फाइनली अपनी लाइफ में खुश है। उसे तब ये भी पता चलता है कि कल लियान ने गलती से अपनी वेडिंग रिंग समंदर में कहीं गिरा दी थी। ये देखते हुए कि लियान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और तभी वो इमोशनल होकर पैट्रिक के सामने ही रोने लगता है। टेडी को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए लियान उसके डॉग के साथ टेडी को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। टेडी फिर उस डॉग को बीच पे घुमाने लेके चले जाता है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। तभी एक और साल निकल जाता है और अब टेडी की दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। वो अभी भी उस डॉग के साथ बीच पे ही है। तभी वो ये नोटिस करता है कि पास में ही एक चॉकलेट पड़ी हुई है जिसमें पीनट्स है। टेडी को पीनट्स से एलर्जी है, इसलिए वो उस चॉकलेट को खा के सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि टेलुला उसके पीछे ही बैठी हुई है, जो अब 7 साल की हो गई है। वो टेडी के पीछे बैठ के रेत से खेल रही है। टेडी ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसकी बेटी अब कितनी बड़ी हो चुकी है। उससे थोड़ी देर बात करके ही टेडी अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। कुछ देर बाद ही वो टेडी को लियान के पास वापस लेके चले जाती है। फिर वो दोनों कई देर तक बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद लियान अपने घर में वापस चले जाती है और तभी टेडी को ये याद आता है कि उनकी आज एनिवर्सरी है, इसलिए वो लियान के डोर पर नॉक करता है। तभी टाइम फिर से एक साल आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस बार लियान अपने घर में नहीं है, इसलिए टेडी सैम को कॉल करता है। लेकिन सैम के नंबर पे कॉल लग ही नहीं रहा है। टेडी फिर जल्दी से सोशल मीडिया में जाके सैम के साथ हॉस्पिटल में अपनी फोटोज देखता है और तभी उसे पता चलता है कि सैम की पिछले साल ही मौत हो गई थी। ये पता चलते ही टेडी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो सैम की कब्र के पास उससे मिलने चले जाता है। उस सैम की कब्र के पास खड़े होकर कुछ बोल ही रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास फिर से आ जाती है। वो फिर टेडी से कहती है कि उसे पता है कि वो पिछले 1 घंटे में 10 साल फ्यूचर में चला गया है। ये सुनते ही टेडी पूरी तरह शॉक में है। उसे लगता है कि उस औरत को ये सब कैसे पता चला। वो औरत फिर टेडी को बताती है कि उसने टेडी को अपनी लाइफ के 10 साल सिर्फ 1 घंटे में ही देखने की पावर्स दे दी थी, ताकि वो टाइम की वैल्यू को समझ सके। वो फिर आगे ये कहती है कि जब वो 20 साल की थी, तब वो बिना ज़्यादा सोचे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे भी उसकी लाइफ के 10 साल 1 घंटे में देखने की पावर्स दे दी थी, जिस कारण बूढ़ी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की, बल्कि उसने तो एक लड़की से शादी की जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये सब सुनकर टेडी पूरी तरह कन्फ्यूज्ड है, इसलिए वो उस औरत को काला जादू करने वाली एक पागल चुड़ैल कह देता है। वो फिर टेडी से कहती है कि वो अभी भी टाइम में पीछे जा सकता है और अपनी गलतियों से सीख के अपनी लाइफ को ठीक कर सकता है। तभी टेडी को वो टिन कैन याद आता है जो उनकी शादी में किसी ने गिफ्ट दिया था। जल्दी से लियान के पास चले जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो टिन कैन अभी भी उसके पास रखा हुआ है कि नहीं। लियान वो टिन कैन कहीं से ढूंढ के निकालती है और तभी वो टेडी को बताती है कि उसका और पैट्रिक का ब्रेकअप हो गया है। पैट्रिक को लगता था कि लियान अभी तक टेडी से प्यार करती है। ये सुनते ही टेडी समझ जाता है कि उस टिन कैन के अंदर क्या है, इसलिए टेडी वो कैन लियान को एज एनिवर्सरी गिफ्ट दे देता है। लियान उसे खोल के देखती है तो उस कैन के अंदर से उसे अपनी वेडिंग रिंग मिलती है, जो उसने गलती से समंदर में खो दी थी। टेडी फिर लियान को फिर से प्रपोज कर देता है और कहता है कि लाइफ बहुत ही छोटी है, इसलिए हमें इसे ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहिए जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लियान भी फिर से टेडी से शादी करने के लिए मान जाती है और ऐसा होते ही टाइम फिर से चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार टेडी उस दिन में जाके रुकता है जब उनकी शादी हुई थी। टेडी की नींद लियान की आवाज़ से खुलती है, जो उसे कह रही है कि वो ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना चाहती है। टेडी को फिर अपनी सारी गलतियाँ याद आने लगती है, इसलिए वो लियान को हक करता है और जल्दी से जाके अपने हनीमून पर जाने की टिकट बुक करने लगता है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आके इतना खुश है कि वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करके अपनी जॉब क्विट कर देता है, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। इसके बाद वो सैम को कॉल करता है और उससे कहता है कि हर साल कैंसर के लिए टेस्ट करवाना, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद टेडी वो मैजिकल कैन लेके बेका के पास जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि
उसका यूज़ करके बेका भी अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएगी। मूवी के एंड में टेडी लियान से कहता है कि लाइफ बहुत ही छोटी है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करके जितना ज़्यादा मज़े कर सकते हैं करते हैं।